हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय रघु यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आज के वीडियो में बताएंगे, जो आप इसका वीडियो देख रहे हैं, इसका टॉपिक जो है यहाँ आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस टॉपिक का नाम यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है। और इस टॉपिक को हम यानी कि कंटिन्यूटी पे कुछ सवाल मिलेगा और फिर बाद बाकी डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है। डिफ्रेंसिबिलिटी मतलब डिफ्रेंसिएशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका डिफ्रेंसिएशन अगर करते हैं तो क्या आता है। तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए कि लॉग में अगर एक्स होता है तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के रूप में करते हैं तो 1/x होता है। अगर यहाँ पे एक्स के जगह यहाँ पे टी कर दे तो यहाँ पे टी रहेगा तो 1/t आ जाएगा फिर। तो इसीलिए इसके जगह पे जो भी रहेगा एक्स के जगह पे, तो वो जो भी रहेगा वो नीचे आ जाएगा। और फिर यहाँ पे इसका चेन रूल लगेगा, तो जैसा कि यहाँ पे एक चेन रूल होता है, तो यहाँ पे टी के स्पेंड में किए, फिर यहाँ पे डी टी को डिफ्रेंशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे भी डी टी बाई डी एक्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही होने वाला है। तो इसका फिर से सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफ्रेंशन करेंगे, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। अब फिर टेन एक्स का डिफ्रेंशन करते हैं तो प्लस में सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों में अगर सेक एक्स कॉमन ले लेते हैं तो सेक एक्स और कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आएगा सेक एक्स प्लस में टेन एक्स बचता है, ठीक है। और नीचे में जो है सेक एक्स प्लस में टेन एक्स है। तो इस प्रकार से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ सेक एक्स। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन जो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यानी कि देख सकते हैं कि सेम टाइप का क्वेश्चन सब मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो इसमें आपको जो लॉजिक लगाना पड़ेगा क्या चीज़, इसको आसानी से डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेन रूल लगेगा ये दोनों जो है ना, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। एक चीज़ और आपको याद रखना होगा, ये बेसिक फार्मूला आपको नहीं मालूम है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो यू इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, ये यू का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो यहाँ पे वी को छोड़ते हैं, और फिर यहाँ पे यू को छोड़ते हैं तो वी का डिफ्रेंसिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे करने वाले डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हम लोग फिर से यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई क्यू को छोड़ देंगे, फिर प्लस डालेंगे, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो वाई क्या लिखा है एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे तो वाई क्यू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू पहले वाई और फिर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स डालेंगे। और यहाँ पे जो देख रहे हैं एक्स प्लस वाई के पावर 5, तो यहाँ चेन रूल लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स प्लस में वाई जो है इसके पावर में 5 है, इसको हम लोग करेंगे डायरेक्टली एक्स के स्टेट में। तो इस चीज़ को आप देखिए हम कैसे लिखेंगे, पहले पावर जो होगा ना वो बगल में आ जाएगा, इस पूरे को मान लिए टी, तो टी का पावर जो होता है वो पावर बगल में हो जाता है, ठीक है। पावर क्या होता है, बगल में हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम इसका जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे 2x होगा, फिर वाई क्यू को छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, वाई क्यू का डिफ्रेंसिएशन करें तो यहाँ पे 3y स्क्वायर होगा एंड डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब यहाँ पे जो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे पावर जो है 5, वो 5 बगल में आ जाएगा, फिर इसके एक्स प्लस में वाई के पावर में जो है वो 4 हो जाएगा। और 4 होने के बाद जो है फिर इसका एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होगा यहाँ पे बगल में ही लिखाएगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और यहाँ वाई का डिफ्रेंसिएशन करें तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से आएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें कॉमन लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म यहाँ पे है। अब डी वाई बाई डी एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, तो यहाँ पे यानी कि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचने वाला हमको क्या है, यहाँ से आ रहा है 3x² y² और यहाँ से जो है ना इसमें इस डी वाई बाई डी एक्स को गुना करेंगे इस पूरे के साथ, तो यहाँ पे बचेगा प्लस 5 इंटू एक्स प्लस में वाई के पावर में 4 बचेगा। और यहाँ पे बाद बाकी जो चीज़ बचता है वो इसको हम राइट साइड अगर करते हैं तो यानी कि इसके साथ 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 यानी कि ये 2xy बचेगा, मतलब यहाँ पे बचने वाला है क्या चीज़, 5 इंटू एक्स प्लस में देखिए एक्स प्लस में वाई के पावर में 4 और माइनस में बचेगा कितना 2xy, इतना आएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए फाइनली आंसर जो आएगा 2 टाइम्स ऑफ यानी कि क्या है 5,
फाइव टाइम्स ऑफ कितना थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, तो इस पर यानी कि स्क्रीन पे सॉल्व करना थोड़ा यानी कि बड़ा बड़ा छोटा लिखेंगे तब होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो कृपया एडजस्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स प्लस में 4 के पावर वाई के पावर में कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे माइनस में हो गया 2xy अपॉन कितना आ जाएगा, इसका कोफिशियंट जो ये सारे है वो क्या आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 3x² और y स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस में कितना आ जाएगा तो 5 टाइम्स ऑफ कितना x प्लस में y, तो ये आ जाएगा, बस यही हो जाएगा, इसके पावर 4 भी होगा। तो ऐसा ऑप्शन जहाँ पे मिलेगा ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसा कीजिए कि इसमें आप कॉमन भी मिलेगा, तब कॉमन लेकर आप सॉल्व कीजिएगा तो आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और तरीका है, देखिए इस सवाल को अगर हम एक और तरीका से बनाते हैं तो यहाँ पे जल्दी बनने का चांस है। तो यहाँ पे ऐसा तरीका क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको लॉग ले लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग एक्स प्लस में वाई के पावर में क्या हो जाएगा 5। 5 जो रहता है ना 5 बगल में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 यहाँ लग गया। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इसको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2 लॉग में एक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जो होगा यहाँ पे 3 लॉग वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो होगा 5 लॉग एक्स प्लस में वाई हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है तो यहाँ पर 2 अपॉन एक्स हो जाएगा, क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंस हम जानते हैं कि 1/x होता है, इसलिए नीचे में आ गया डिनोमीटर में, फिर यहाँ पे 3y क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा y। ठीक है, एंड dy/dx भी आएगा। यहाँ पे जो होगा 5 टाइम्स बाई ये लॉग में जो है तो वो नीचे में आ जाएगा डायरेक्टली, और फिर इसका डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे 1 में dy/dx आ जाएगा। अब इसको कॉमन लीजिए और सॉल्व कीजिए dy/dx, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो आपको जो आने वाला है यानी कि ये आपको दिखेगा, इसको मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, और साथ में जो है ना इसको मल्टीप्लाई 5/x + y जो है इसको dy/dx के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिखने वाले हैं, देखिए आप कैसे लिखने वाले हैं, मतलब यहाँ पर इतना आएगा वाई, और फिर यहाँ पर 5/x + y और इंटू dy/dx आएगा। ठीक है, तो इसमें dy/dx यहाँ है और यहाँ पे है। ठीक है, ये दोनों जगह पे है, इस दोनों जगह पे है, तो अब क्या करेंगे इसको, तो इसको छोटा कीजिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं इसको, तो यहाँ पे dy/dx अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम राइट साइड ही कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1/5 कितना एक्स प्लस में वाई, और माइनस में हो जाएगा कितना 3/y, और राइट साइड के बाद इसको राइट साइड कर लिए, इसको राइट साइड, तो इसको आप लेफ्ट साइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 2/x माइनस में कितना आ जाएगा, तो 3/x प्लस में सॉरी 5/5 आ जाएगा x प्लस में y। अब यहाँ पे देखिएगा एलसीएम कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोशिश कीजिए एक सेकेंड कि इसको हम इरेज कर दें। ठीक है, ओ सॉरी इरेज कर दिए, तो अब यहाँ पे देखिएगा जो कितना आया हुआ था 2/x था, अब माइनस में कितना आ गया था 5/ यानी x प्लस में y, सॉरी यहाँ पे 5/xy ठीक था, 2/ कितना आ गया x माइनस में 5/ कितना था x प्लस में y, और यहाँ पे जो था ये 5/x प्लस में y एंड dy/dx कॉमन था। ठीक है, इतना था, और माइनस में था 3y था, इतना इज इक्वल टू इतना, ये क्वेश्चन था आपका। अब इसमें एलसीएम कर लीजिए, तो यहाँ पे dy/dx जो होगा यहाँ पे एलसीएम करने पर x प्लस में y इंटू क्या आ जाएगा y, और यहाँ पे इस 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y, और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई तो 3x माइनस में 3y, बस यही आएगा, और इस साइड राइट साइड जो आने वाला है वो राइट साइड क्या आ जाएगा देख सकते हैं, राइट साइड में जो आएगा इसका भी एलसीएम करेंगे तो एक्स इंटू में एक्स प्लस में वाई होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और प्लस में 2y होगा, क्लियर। अब माइनस में आ जाएगा 5x, तो यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस वाई जो है ना सिर्फ x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, और इसमें जो बच रहा है जहाँ बाकी चीज़ वो आप देख सकते हैं क्या बच रहा है, तो ये आपका जो आ गया यानी 2x + 2y माइनस में 3 5x है, तो 2x में से 5x गया तो कितना बचेगा 3x, तो यहाँ पे 2y माइनस में 3x आ गया, 2y माइनस में 3x और अपॉन में कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं x नीचे बच रहा है। इसके बाद जो है ना ये हम लिखने वाले हैं 5y में से 3y गया तो 2y बचेगा,
तो 2y माइनस में क्या बचेगा, 3x बचेगा, और यहाँ पे जो इसके नीचे एक्स वाई बच रहा है तो ये चला जाएगा ऊपर, यानी वाई बाई एक्स, और ये दोनों चीज़ सेम है इसलिए वाई बाई एक्स इसका आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालते हैं तो वाई बाई एक्स आएगा। तो सो इस तरीके से आप बना सकते हैं। वाकई में इस क्वेश्चन में टाइम लगा है मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा था, इस प्रोसेस से बना सकते हैं तो आसानी से बन जाएगा। और एक और प्रोसेस है, क्योंकि मेरे पास दो प्रोसेस होता है ऑलवेज, आप दोनों प्रोसेस में से कभी भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको अब ये प्रोसेस जैसे हम अभी लॉग लाए, तो लॉग लाए हैं कैसे, तो यहाँ पे बेसिक मेथड तो आपका जो बनाए थे जिस मेथड से पहले वही बेसिक है, ठीक है, परंतु आपका जो लॉजिक है यानी कि लॉग वाला, ये आगे चलकर हम लोग क्वेश्चन को आसान या जल्दी करने के लिए हम लोग ये मेथड सीख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसका डिफरेंशिएट करना है, अगर टेन इनवर्स में कुछ भी रहेगा उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ वन बाई क्या होता है, ये रूट के अंदर में हो जाता है, सॉरी रूट के अंदर नहीं, वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाता है, लेकिन एक्स के जगह पर ये सारे चीज़ है, तो एक्स के जगह पर ये सारे चीज़ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं वन प्लस में एक्स का होल स्क्वायर, तो है इसका रूट में जो है तो रूट का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो इतना आ जाएगा। और फिर माइनस में अगर कॉट का डिफरेंशिएशन करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस में थीटा है, मतलब माइनस में एक्स है, तो माइनस में रहने से क्या होता है, तो इसको पाई में से घटा लिया जाता है, ठीक है, क्या करते हैं पाई में से घटा लिया जाता है, तो यहाँ पे पाई का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, मतलब यहाँ पे जीरो हो जाता है डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कॉट के जगह पे लिख सकते हैं कॉट, और यहाँ पे ये पीछे माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कॉट इनवर्स में अब ये आ गया रूट के अंदर वन प्लस में एक्स स्क्वायर, तो इसका भी अब इंटीग्रेशन करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पाई का तो जीरो आ गया और प्लस में आ गया कितना, यहाँ पे कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो होगा वो नीचे में आ जाएगा फिर से जस्ट इसी प्रकार का वन प्लस में, और यहाँ पे निगेटिव के साथ आता है क्योंकि कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है निगेटिव, और यहाँ पे ये सेम चीज़ होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जीरो आएगा, तो वाकई इसका आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है। अब चलते हैं, ये नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो सेम आएगा, ये पॉजिटिव वापस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा दोनों, ठीक है, जब पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे वन बाई रूट के अंदर में क्या होता है, रूट के अंदर नहीं, यहाँ पे वन माइनस प्लस में एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव में आएगा और बीच में प्लस है, और इसका जो डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे रूट के अंदर, सॉरी डॉट नहीं रूट नहीं, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों जो है ना ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो दोनों कैंसिल हो जाता है इसलिए जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर, इसका जो है लिमिट पहले लगाइए, और लिमिट लगाइएगा तो पहले यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लगाइए तो कितना आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लिमिट में अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो 5 और यहाँ पे एक्स पावर में कितना आ जाता है 4 हो जाएगा, पावर एक कम हो जाता है, ठीक है, पावर 4 हो जाएगा, और x टर्निंग टू यहाँ पे a लिखा हुआ तो a को यहाँ पे पुट कर देंगे x के जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, a का पावर में 4 हो जाएगा, और ये इतना आ चुका है तो अब इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे a भी है, वो a भी क्या है कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ 5a^4 विथ रिस्पेक्ट टू x इज ऑल्सो इक्वल टू 0, यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, अब यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो कॉस एक्स होता है, फिर कॉस टेन ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करते हैं, पहले यहाँ पे टेन ए एक्स जो है इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे ए एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर यहाँ पे ए एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जो ए है वो कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है टेन का सेक स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स थीटा कुछ भी रहेगा तो वहाँ पे थीटा यहीं आएगा, मतलब ए एक्स ही आएगा, बट यहाँ पे ए एक्स का डिफरेंशिएशन करते तो कांस्टेंट जो है ना कांस्टेंट बगल में आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे इनटू में ए और यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव करने पर 1 होता है, तो यहाँ पे ए सेक स्क्वायर हो जाएगा ए एक्स, तो ए सेक स्क्वायर एक्स, ए एक्स कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में हम बताएंगे, क्वेश्चन कौन सा है, टेन जैसे यहाँ पे कोई कांस्टेंट है कोई भी फंक्शन ऑफ के एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो ये याद रखिए कि कांस्टेंट बगल में हो जाएगा और एफ टेस ऑफ के एक्स ही रहेगा, जो फंक्शन जिसमें है उसी में रहेगा, और जो कांस्टेंट अगर दिख रहा है एक्स के बगल वाले तो वो एक्स के बगल में जो होता है कोफिशियंट वो के होता है यानी कॉन्स्टेंट होता है,
चलिए इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं इस sec x का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, sec x का डेरिवेटिव जो होता है sec x इंटू टेन एक्स होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट यानी कि sin इनवर्स x का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है रूट के अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है sin इनवर्स का, क्लियर। ये सब फार्मूला बेस है तो इसको चाहूँगा कि इसको बढ़िया से देखें और याद कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स में x है, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ सबसे पहले इसका फार्मूला जो होता है वो पाई बाई टू होता है। अब पाई बाई टू होता है, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट होने के कारण इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे y इक्वल टू log क्या लिखा है और sin के साथ log x लिखा हुआ है, ठीक है, sin के साथ log x है तो इसका डेरिवेटिव अगर करते हैं तो क्या आएगा, तो चेन रूल लगा के इसको सॉल्व किया जा सकता है। sin का डेरिवेटिव करेंगे तो cos आएगा और साथ में log x है तो log x आएगा। और फिर यहाँ पे sin का तो कर लिए, अब sin के बाद हम log का करेंगे तो log का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो आने वाला आंसर है ये 1/x आएगा और cos log x आएगा, ऐसा ऑप्शन बी में देखने को ए में मिलता है देखने को, तो इसीलिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है इसमें कि y इक्वल टू x पावर 5 है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या चीज़, पावर जो है ना एक फार्मूला होता है x पावर में n बाय d क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका पावर प्रोसीव रहता है x पावर में n माइनस 1 हो जाता है, तो ऐसा ऑप्शन किस में देखने को मिलता है, ऑप्शन सी में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5x पावर 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो चलिए ये गलती से ध्यान नहीं दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स क्या होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स का डिफरेंस होता है माइनस में और यहाँ पे 1/ क्या होता है अंडर रूट 1-x2। फिर यहाँ पे 2 पावर में एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू 3 पावर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करते हैं तो क्या आता है, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस करेंगे 2 पावर x का विथ रिस्पेक्ट टू x और नीचे में भी 3 पावर x का डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करने पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 पावर में x होगा ही और साथ में log 2 हो जाएगा और नीचे में भी 3 पावर में x होगा और log में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आने वाला है यहाँ पे 2/3 के पावर में तो x होगा ही और साथ में हम यहाँ पे 2/3 भी लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे जब नीचे होता है तो उसको हम लोग माइनस में ले देते हैं, क्या हो जाएगा 2√2 base 3 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, बेस 3 बना सकते हैं, तो ऐसा ऑप्शन देखिए बेस 3 देखने को मिल रहा है और यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे tan और x का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, tan x का डेरिवेटिव करते हैं sec स्क्वायर x हो जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट sin स्क्वायर है तो sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे sin स्क्वायर x है तो sin स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले पावर वाले फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे तो पावर प्रोसी हो जाएगा और फिर sin x हो जाएगा और फिर से यहाँ पे sin का डेरिवेटिव करेंगे तो cos x हो जाएगा, तो यहाँ पे देखने को इस फार्मूला का यूज करना होगा 2 sin x into cos x, तो ऐसा देखने को ही मिल रहा है, मतलब सेम यही चीज़ देखने को मिलता है तो ये होगा। कई जगह ऐसा हो सकता है कि इसका फार्मूला यूज कर देता है sin 2x, ठीक है, sin 2x होता है जो कि इसका मतलब यहाँ पे यही यूज करके छोड़ देता है, ऑप्शन में दे देता है, तो देखिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे log x जो है ये log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो log x का डेरिवेटिव करते हैं तो 1/x होता है, क्या होता है 1/x, ये सब फार्मूला है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, e पावर में cos x, तो e पावर cos x का डेरिवेटिव करते हैं तो e पावर में cos x तो होता ही है एंड e पावर में cos x है तो cos x और cos का डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस में sin x हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस में और e पावर में या तो sin पहले होना चाहिए और e पावर में cos x, ऐसा देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि log cos ex इसका डेरिवेटिव करना है, तो log में कुछ भी रहता है तो वो नीचे आ जाता है तो cos हो गया और ex एंगल ex है cos का और फिर यहाँ पे चेन रूल लगाते जा रहे हैं तो cos का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस में आ जाएगा sin और ex का ex ही होगा एंगल
और यहाँ पे फिर से ई एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो ई एक्स होता है। तो मतलब यहाँ पे जो फाइनल आंसर आने वाला है, यहाँ पे साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, और माइनस में हो गया टेन और ई एक्स, और यहाँ जो ई एक्स है तो वो ई एक्स पीछे लगा लीजिए, तो यहाँ पे ई माइनस में आएगा ई एक्स और इंटू टेन ई एक्स, तो टेन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा तो साइन ऊपर, तो यहाँ पे साइन बाई कॉस टेन ही होना चाहिए। तो ऐसा प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट में होना चाहिए था और ये ऐसा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको सही करके ऑप्शन बी करेक्ट कीजिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देख रहे हैं। 19 में कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे निगेटिव होने के साथ साथ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, साइन अंडर रूट क्या है, टेन एक्स, ठीक है। टेन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो कितना आएगा, रूट में है साथ में, यहाँ पे सबसे पहले आप टेन एक्स जो है ना टेन एक्स के पावर में 1/2 लिखेंगे, या तो एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि अगर रूट में एक्स रहता है इसका डेरिवेटिव करते हैं तो कुछ भी रहे रूट में तो 1/2 अंडर रूट एक्स लगा दीजिए, तो इसका डेरिवेटिव सबसे पहले ये आ जाएगा टेन एक्स, और फिर यहाँ पर टेन एक्स का डेरिवेटिव जानते हैं तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई क्या आ जाएगा 2 और अंडर रूट टेन एक्स, तो ऑप्शन बी में हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। और यहाँ पे नेक्स्ट यानी कि 21 नंबर 22 नंबर है, तो इससे आगे हम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप के लिए होमवर्क में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, ठीक है, 22 इस दो क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।